आज हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री लेसन 6 पढ़ेंगे, बेवर्स आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। इंडियन टेक्सटाइल्स बियर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा एंड पेनांग एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। भारतीय कपड़े का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जावा, सुमात्रा और पेनांग के साथ किया जाता था और पश्चिमी और केंद्रीय एशिया में। इंडियन टेक्सटाइल्स बियर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा एंड पेनांग एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। भारतीय कपड़े का व्यापार मुख्य तौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों जावा, सुमात्रा और पेनांग और पश्चिमी और केंद्रीय एशिया के देशों से किया जाता था। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगैन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर सेल इन यूरोप। 16वीं शताब्दी के शुरुआत से यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने यूरोप में कपड़ा बेचने के लिए उन्हें खरीदना शुरू किया। फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगैन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर सेल इन यूरोप। 16वीं शताब्दी से यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने यूरोप में कपड़ा बेचने के लिए भारतीय कपड़े को खरीदना शुरू किया। पटोला वेव इन मिड 19th सेंचुरी, पटोला वाज वोवन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पाटन, हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, इट बिकेम द पार्ट ऑफ लोकल वेविंग ट्रेडिशन दियर। पटोला कपड़ा यह 19वीं शताब्दी के मध्य में बुना जाता था। पटोला विशेष तौर पर सूरत, अहमदाबाद और पाटन में बुना जाता था। इस कपड़े का इंडोनेशिया में भी काफ़ी अधिक मूल्य था। स्थानीय व्यापारिक परंपरा का यह हिस्सा बन गया। पटोला वेव इन मिड 19th सेंचुरी, पटोला वाज वोवन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पाटन, हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, इट बिकेम द पार्ट ऑफ लोकल वेविंग ट्रेडिशन दियर। पटोला कपड़ा यह सूरत, अहमदाबाद और पाटन में 19वीं शताब्दी के मध्य में बुना जाता था। इंडोनेशिया में भी इसका काफ़ी अधिक व्यापारिक मूल्य था। इट बिकेम द पार्ट यह स्थानीय कपड़ा बुनने की परंपरा का हिस्सा बन गया। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरीड बाई अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले अच्छे सूती कपड़े को भारत से खरीदते थे, जिसे यूरोप अरब के व्यापारियों के द्वारा इराक के शहर मोसुल ले जाया जाता था। वहाँ से यूरोपीय व्यापारी अरब व्यापारियों से भारतीय कपड़ा खरीदते थे। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरीड बाई अरब मर्चेंट्स इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले अच्छे सूती कपड़े अरब व्यापारियों से खरीदते थे। अरब व्यापारी भारत से इराक के मोसुल शहर तक कपड़ा ले जाते थे। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. जब पुर्तगाली व्यापारी भारत में आए मसालों की खोज में और उन्होंने केरल के कालीकट में लैंड किया दक्षिण पश्चिमी भारत में। When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on the Kerala coast in southwest India. जब पुर्तगाली व्यापारी मसालों की खोज में भारत आए केरल के कालीकट में उन्होंने पड़ाव डाला जो दक्षिण पश्चिमी भारत में पड़ता था। The cotton textiles which they took back to Europe along with the spices came to be called calico.
डेरिव्ड फ्रॉम कालीकट, सूती कपड़ा यूरोप ले जाया जाता था। इसके अलावा यूरोप में मसाले की भी काफी अधिक मांग थी। और इसके अलावा कैलिको कपड़ा जो कालीकट में बनता था उसकी भी यूरोप में काफी मांग थी। द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे टुक बैक टू यूरोप अलोंग विद द स्पाइसेज केम टू बी कॉल्ड कैलिको, डेरिव्ड फ्रॉम कालीकट। सूती कपड़ा यूरोप ले जाया जाता था, मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा में कैलिको कॉटन सबसे प्रसिद्ध था, जो कालीकट शब्द कालीकट से बना है, कालीकट से बना है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन कलकत्ता इन 1730। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1730 में कलकत्ता में अपने प्रतिनिधियों को भेजा। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स इन कलकत्ता इन 1730। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1730 में कलकत्ता में अपने प्रतिनिधियों को भेजा। इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस बुक्स यूजुअली वुडन क्लॉथ पीसेज दैट बियर 20 यार्ड्स लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड। यूरोपीय व्यापारी सामानों को भेजते थे जिसमें बुना हुआ कपड़ा जो कि 20 यार्ड लंबा और 1 यार्ड चौड़ा होता था। इन द यूरोपियन ट्रेड एज पीस बुक्स यूजुअली वुडन क्लॉथ पीसेज दैट बियर 20 यार्ड्स लॉन्ग एंड 1 यार्ड वाइड। यूरोपीय व्यापारी सामानों को भेजते थे यूरोप में विशेष तौर पर बुना हुआ कपड़ा जिसकी लंबाई 20 यार्ड होती थी और चौड़ाई 1 यार्ड। जामदानी बेब इन अर्ली 20th सेंचुरी, जामदानी जे फाइन मुस्लिम ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वुवन ऑन द लूम ग्रे एंड व्हाइट। जामदानी कपड़ा यह 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बुना जाता था। यह मलमल के जैसा सॉफ्ट कपड़ा होता था। इसमें सजावट इसका सजावट के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यह कपड़ा करघे पर बुना जाता था जिसका रंग स्लेटी और उजला होता था। जामदानी बेब इन अर्ली 20th सेंचुरी, जामदानी जे फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वुवन ऑन द लूम ग्रे एंड व्हाइट। जामदानी सूती कपड़ा यह 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बुना जाता था। यह बहुत फाइन क्वालिटी का कपड़ा होता था जिस पर सजावटी बेलबूटे या फिर चित्रों को बनाया जाता था। यह कपड़ा करघे पर बुना जाता था जिसका रंग स्लेटी और उजला होता था। ऑप्टेन ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ जामदानी बेबिंग बियर डक्का ढाका इन बंगाल एंड लखनऊ इन द यूनाइटेड प्रोविंसेज। मुस्लिन कपड़े में कॉटन और गोल्ड थ्रेड का प्रयोग किया जाता था। जामदानी कपड़ा विशेष तौर पर बंगाल के ढाका और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुना जाता था। ऑप्टेन ए मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ जामदानी बेबिंग बियर ढाका इन बंगाल एंड लखनऊ इन द यूनाइटेड प्रोविंसेज। मुस्लिन जामदानी कपड़ा यह सूती और सोने के धागों से बनाया जाता था, इनका मिश्रण होता था। यह बंगाल के ढाका में बुना जाता था और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अमोंगेस्ट द पीसेज ऑर्डर्ड इन बल्क बियर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड चिंट्ज, कॉसेज और खस्सा एंड बंदन्ना।
विशेष तौर पर प्रिंटेड कॉटन कपड़ों का ऑर्डर किया जाता था, जिसमें चिंट, कोशेश और खस्सा और बंदन्ना प्रमुख था। अमोंगेस्ट द पीसेज ऑर्डर्ड इन बल्क वियर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथेज कॉल्ड चिंट, कोशेजेज और खस्सा एंड बंदन्ना। विशेष तौर पर जो सूती कपड़ों की वैरायटी निर्यात की जाती थी, वह उसमें छपा हुआ कपड़ा भी होता था, जिसे जिस पर छपाई या प्रिंट का काम होता था, जिसे चिंट कहते थे। इसके अलावा खस्सा और बंदन्ना यह भी सूती कपड़ों की वैरायटी थी। इट इज डेरिव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंट, ए क्लॉथ विथ ए स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइंस। हिंदी के शब्द चिंट से यह लिया गया है, चिंट कॉटन क्लॉथेज। यह कपड़ा छोटे और रंगों से भरे फूलों वाले डिजाइन से बना होता था। इट इज डेरिव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंट, ए क्लॉथ विथ ए स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइंस। चिंट कपड़ा, यह चिंट हिंदी शब्द से उत्पन्न हुआ है। यह कपड़ा छोटे और रंगीन फूलों के डिजाइन से बना होता था। थैंक्स।